सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं डीजी नेम की तरफ से जो वेबसाइट दिया गया है वर्डप्रेस के थ्रू, तो उसमें कैसे हम लोग अपना वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में बताने वाला हूं हम वेबसाइट का हेडर एंड साथ ही साथ कोई भी एफिलेटेड प्रोडक्ट हो या फिर एडवर्टाइजमेंट हो कैसे हम लोग अपना वेबसाइट में लगा सकते हैं, और वो भी वर्डप्रेस में, जो कि अभी डीजी नेम की तरफ से CCVLA को 1 ईयर का फ्री दिया गया है। और अगर आपने 1 ईयर का फ्री क्लेम नहीं किया है तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे हम लोग अपना वेबसाइट को 1 ईयर फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे कोई भी आप ब्राउज़र खोल लीजिए, ब्राउज़र खोल के आपको अपना जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन हो जाना है। अगर आपको कोई भी परेशानी आता है वेबसाइट का डैशबोर्ड में लॉगिन होने में वर्डप्रेस में, तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सके हो डीजी नेम के तरह तरह का वीडियो मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा वेबसाइट है जिसको लिंक करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो सेक्शन होता है इसको बोला जाता है हेडर सेक्शन, तो इसको हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड अपना साथ ही साथ आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट कैसे हम लगाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एफिलेटेड प्रोडक्ट जो भी होता है, अमेजन का हो या फ्लिपकार्ट का एफिलेटेड प्रोडक्ट, वो भी आप यहाँ से यहाँ में ईजिली लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके लिए पहले आपको क्या करना है, अपना जो डैशबोर्ड में वहाँ पे आ जाना है। डैशबोर्ड में आ जाने के बाद आपका पहला सेक्शन जो यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं वो है आपका लोगो, एंड यहाँ पे आपका जो भी टैगलाइन है वो टैगलाइन चेंज करने वाले हैं, साथ साथ यहाँ पे CSCID भी डालने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपना डैशबोर्ड में। जाने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस एक ऑप्शन मिलता है, अपीयरेंस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थीम ऑप्शन एक मिलता है, तो आपको थीम ऑप्शन में क्लिक कर देना है। थीम ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है जो कि आपका लोगो को चेंज करने का है। तो आपका जो लोगो होगा वो लोगो आपको यहाँ से पहले जो पहले लोगो दिया गया है वो लोगो को यहाँ से हटा देना है। हटा देने के बाद आपको यहाँ में दूसरा जो आपने आपका जो वेबसाइट का लोगो है वो लोगो प्लस करना है, तो आपको प्लस बटन में क्लिक करना है। और आपको यहाँ में से आपका जो अपलोड मीडिया फाइल लिखा हुआ है आपको अपलोड फाइल में क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका सिलेक्ट फाइल में क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी लोगो है वो लोगो आपको ढूंढ लेना है जहाँ पे अपना लोगो डिज़ाइन करके रखा है। तो हम यहाँ में से ले लेते हैं हमारा जो लोगो, यहाँ पे देखिए मीटॉक्स का लोगो हमने ले लिया है, यहाँ से इसको अपलोड कर दिया। और इसका मैं जो बेहतरीन रेजोल्यूशन होता है वो मैं बता दूँ आपको, इसका रेजोल्यूशन होता है 492x135 पिक्सल होता है, ठीक है। इसी रेजोल्यूशन में आपका जो लोगो होगा उस लोगो को चेंज करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए तो आपका जो लोगो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखें हम यहाँ पे एक बार इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ हमने जो चेंजेस किया है कि हमने हमारा वेबसाइट में वो चेंजेस हुआ है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा चेंजेस हो चुका है। अभी हम चेंज करने वाले हैं माई ओन डीजी साइट, इसको चेंज करने वाले हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ में लिखा हुआ होगा इसको आपको चेंज करना है, आपका जो भी देना चाहते हो यहाँ में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके साथ हमने यहाँ पे लिख दिया लोगो टेक्स्ट एट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, साथ ही साथ यहाँ पे हम अपना CSCID भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका CSCID आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो या फिर इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ में मेरा जो CSCID है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इसको चेंज कर देंगे, एक बार चेंज करने के बाद हमारा जो वेबसाइट को इसका एक बार रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे हमारा जो चेंजेस क्या है वो चेंजेस हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा चेंजेस हो चुका है और यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम चेंजेस करने वाले हैं अपना फुटर सेक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑल रिजर्व्ड बाय कॉपीराइट 2020 ऑल राइट रिजर्व बाय VLE, तो इसको हम चेंज करने वाले हैं। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन फुटर, फुटर में आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसको आपको चेंज कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटॉक्स, चेंज कर दिया। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आप लगाना चाहते हो आपका फेसबुक एंड ट्विटर का लिंक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पहले से मैंने लगा के रखा है, आप अगर चेक करना चाहते हो वो आप मेरा वेबसाइट में विजिट करके भी आप चेक कर सकते हो, मेरा पेज फेसबुक पेज एंड ट्विटर पेज, ठीक है। उसके बाद आपको सेव में चेंज कर देना है, मतलब सेव में क्लिक कर देना है, आपका सेक्शन जो है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा जो सेक्शन हमने चेंज किया वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है।
एंड साथ ही साथ यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए मीटॉक्स यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं जो भी कुछ, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हम लोग कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एफिलेटेड प्रोग्राम का एफिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है इसमें मैं लगाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने दो फोटो मतलब दो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लेके रखा हूँ, तो मैं पहले वो लगा देता हूँ। उसको लगाने के लिए आपको फिर से डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, एडवर्टाइजमेंट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से एक प्रोडक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं इसी में एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, एडिट में क्लिक करेंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम एडिट में क्लिक करेंगे, उसी जो प्रोडक्ट लगा हुआ है उसी में हम चेंजेस कर देंगे। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उस नाम को चेंजेस करना है। तो उसको नाम यहाँ पे जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले से एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था, तो इसका जो लाइन होगा इसको मैं कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, मेरा प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फोटो को चेंज करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो या फिर आप इसको कैंसिल करके आप रिमूव करके दूसरा एक अपलोड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और दूसरा और एक अपलोड कर लेता हूँ। तो हम इस तरह से इजीली अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रहा है अपलोड करने में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जो भी परेशानी होगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाने के बाद आपको सिलेक्ट में क्लिक करना है और आपका जो फोटो होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फोटो है देखिए यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो लिंक है एफिलेटेड प्रोग्राम प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट लिंक यहाँ में आपका लिंक दे देना है। तो इसके लिए हमने जो कॉपी करके रखा है मेरा एफिलेटेड प्रोग्राम का ही एक प्रोडक्ट का लिंक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिंक में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इजीली ऐड कर सकते हैं एफिलेटेड जो भी प्रोग्राम है। उसके बाद आपको यहाँ में अपडेट में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं नया तरीके से, ये तो हमने बताया एडिट कैसे कर सकते हैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट को। तो यहाँ पे ऐड न्यू करके मैं भी एक दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू में क्लिक करेंगे तो आपका जो सेक्शन होगा दूसरा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं दूसरा और एक जो प्रोडक्ट मैंने ऐड करके रखा है इसको मैं नाम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और फोटो में यहाँ से लगा देता हूँ। मेरा जो फोटो है ट्राइपॉड का, एक मैंने ट्राइपॉड का फोटो यहाँ पे करके रखा हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका ट्राइपॉड का फोटो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिंक हम डाल देंगे, हमारा जो एफिलेटेड जो लिंक है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लिंक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश लिखा हुआ है, पब्लिश में क्लिक कर देना है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो लाइव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंज करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा वेबसाइट में विजिट करके, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है, पहला वाला है। तो इसको अगर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे अपना पेज को तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा है ट्राइपॉड का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ रहा है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपना जो हमने वोया का जो माइक है उसको भी लगाया, इसका भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई भी विजिटर्स आपको वेबसाइट में विजिट करके इस लिंक में क्लिक करेंगे तो वो दूसरा वेबसाइट में लेके जाएंगे, जो कि आपका एफिलेटेड प्रोग्राम का अमेजोन का लिंक है वहीं पे आपको लेके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करने के बाद मेरा अमेजोन का प्रोडक्ट में यहाँ पे लेके आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी बाय कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम अभी बात करने वाले हैं हम लोग कैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अनाउंसमेंट एक लगाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे फिर से हम डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है देखिए अनाउंसमेंट, आपको अनाउंसमेंट में क्लिक करना है। तो पहले से एक प्रोडक्ट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट करके भी दूसरा और एक नया एडिट कर सकते हैं। नया एडिट करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू लिखा हुआ है, आपको ऐड न्यू में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको ही मैं पहले एडिट कर लेता हूँ, दूसरा और प्रोडक्ट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे जो भी नाम है इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ जो कि CSC में एक नया प्रोजेक्ट आया है CSC ई ग्रामीण स्टोर, मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ CSC ई ग्रामीण स्टोर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया परचेज ग्रोसरी फ्रॉम CSC ई ग्रामीण स्टोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप लिखना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे जो फोटो है इसको चेंज करेंगे तो इसको हम इसे रिमूव कर लेते हैं और दूसरा और एक फोटो यहाँ में से डाल देते हैं। मेरा जो फोटो मैंने यहाँ पे पहले ही लगा के रखा हूँ मतलब मेरा डेस्कटॉप में रखा हूँ, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ
और आपका फोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको सिलेक्ट में क्लिक कर देना, आपका फोटो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो, जो भी लिंक आप देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे CSC जो भी लिंक में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्ले स्टोर में लेके जाएंगे और आपको जो CSC ई-ग्रामीण का एप्स है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो लिंक लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिंक डाल देता हूँ जो कि मैं प्ले स्टोर का लिंक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद पब्लिश अपडेट में क्लिक करेंगे, ठीक है। अपडेट में क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, मतलब अपना जो अनाउंसमेंट आपने लगाया है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा अनाउंसमेंट यहाँ पे आ चुका है। अगर कोई भी इस लिंक मतलब इस अनाउंसमेंट में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको प्ले स्टोर में लेके जाएगा, ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए दे देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको प्ले स्टोर से यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं अनाउंसमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट में, अपना जो एफिलिएटेड प्रोग्राम प्रोडक्ट है वो भी हम यहाँ में लगा सकते हैं। एंड आपका जो मैंने ये सेक्शन बताया इसको इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे हम लोग यहाँ पे स्लाइडर को हम लोग कैसे चेंज करते हैं एंड आपका जो पेजेस होगा वो पेजेस को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन हो उसको दबाइए ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह का रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।